Hello students, today we are going to study the chapter The Fun They Had of 9th Standard which is written by Isaac Asimov. ये चीजें आप कंसीडर करेंगे. The chapter The Fun They Had written by Isaac Asimov. बच्चों students, this chapter is a futuristic chapter. मतलब कि ये जो chapter लिखा गया है, ये जो बातें, जो story चलेगी वो फ्यूचर से रिलेटेड चलेंगी. इट मींस कि जो घटना दिखाई गई है वो फ्यूचर से रिलेटेड दिखाई गई. जैसा आप देख सकते हो द डे 17 मई 2157, है ना, मतलब 2021 ईस्वी के बारे में बात हो रहा है. अभी हम लोग कहां चल रहे हैं, 2020, और ये कहां का कब का लिखा हुआ है, 2157. जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतने सारे फ्रेजेस आपको मिलते हैं और इस तरीके से क्लाउजेस कंबाइन किए गए हैं इस चैप्टर में कि आपको समझ में नहीं आता है बातों. बट बच्चों, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन टू वेज. फर्स्ट आई विल गिव यू द समरी एंड सेकेंडली यू हैव टू रीड द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड एंड देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इन डाउट क्लासेस. उसके बाद जब आप डाउट क्लासेस में आएंगे तो आप हमसे अगर कोई क्लब, कोई सेंटेंस, किसी क्लाउज, किसी फ्रेज या फिर किसी वर्ड में आप फंस रहे हैं तो यू कैन आस्क देयर, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू जॉइन द डाउट क्लासेस, द लाइव डाउट क्लासेस व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर इंस्टीट्यूशन. तो इस चीज को आप कंफर्म रहे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. लेट अस बिगिन द चैप्टर द फन दे हैड. On the day of 17 May 2157, the guy, the student whose name was Tommy, जिसका नाम क्या है, Tommy, and a student Margie. There are two students here, दोनों भाई बहन है, the Tommy and Margie. Tommy and Margie के यहाँ पे story के बारे में लोग चर्चा करेंगे. तो बोल रहा है कि on the day of 17 May 2157, Tommy found a real book. टॉमी क्या करता है, पाता है, कहीं से वो पाता है. आपके यहां भी बहुत सारे सामान ऐसे होंगे जो आपको 2 साल 3 साल 4 साल के बाद मिलते हैं तो आप बिलीव नहीं करते कि अरे ऐसा होता है, ऐसा सामान था मेरे पास, है ना. तो उसने फाउंड करता है बुक जो कि रियल था. जैसे हम लोग का भी बुक होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हो, लेटर्स, वर्ड्स, स्टोरी सब कुछ प्रिंटेड वे में है, तो उसको हम लोग रियल बुक कह रहे हैं. तो वही बोल रहा है कि इन 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक. ही शोड, उसने दिखाया इन टू मार्गी. मार्गी को उसने वो किताब दिखाया. अब मार्गी कौन है, मार्गी वाज 11 इयर्स ओल्ड, ए गर्ल, हिज सिस्टर, उसकी बहन, जिसका उम्र कितना है, शी वाज 11 इयर्स ओल्ड. सी हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर, उसने कभी भी रियल बुक को पहले कभी देखा ही नहीं था. तो तुम बोलोगे सर आपने तो स्टूडेंट का यू हैव टोल्ड अर्लियर दैट दे बोथ आर students, then how it is possible that he didn't ever seen the real book before? उसने कभी भी real book इसके पहले कभी देखा नहीं है. How is it possible? तो बच्चों ये इसलिए नहीं देखा because she had once heard from a grandmother, grandfather about the printed books. It was very old book. मतलब ये क्यों book का explain कर रहा है? वो actually उसने इसलिए नहीं देखा था क्योंकि उनके जो books होते हैं, their book, उनके जो books होते हैं, वो flashed on the television screen. उनकी books television screen पे दिखाए जाते हैं. They don't have any printed books. They don't have any manual books we are reading in present time. उनके पास ऐसा कोई भी बुक नहीं था. That's why यहाँ बोला जा रहा है कि उसने इससे पहले real book को नहीं देखा था. तो होता क्या है, Tommy 2157 17th May of 2157 got a found a real book and he sold that book to Margie who was 11 years old and Margie had never seen the real book before. इसके पहले मार्गी ने रियल बुक को नहीं देखा था. She had once heard, उसने एक बार सुना था from her grandfather. वो अपने grandfather से एक बार कहते हुए सुना था किस चीज के बारे में, about the printed books. Printed books के बारे में grandfather से उसने सुना था. It was a very old book. यहाँ it refers to the real book.
टॉमी हैज फाउंड आउट, टॉमी ने जो पाया था, इट रिफर्स टू दैट बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुराना बुक था. इट्स पेजेस, इसके जो पेजेस थे, हैव टर्न्ड येलोइश एंड क्रिंकली. क्रिंकली देखते हो बच्चों, बुक्स जो होते हैं नॉर्मली तुम्हारे बुक्स नोट्स पेपर या नोट्स वगैरह, वो मुड़ जाते हैं, है ना, उसका रंग फीका पड़ जाता है, येलोइश हो जाता है. तो वही बता रहा है, इट्स पेजेस द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड इन 2157 17 मई. तो उसके बुक्स के पेजेस जो थे वे येलो एंड क्रिंकली हो गए थे. They turned its pages, वो वे लोग उस पेजेस को टर्न करते हैं, पलटते हैं, read them, और उसमें जो भी बातें लिखी गई है उसको वो पढ़ते हैं. them, who then, Margie and Tommy, वो लोग उस किताब को पढ़ते हैं. टॉमी फाउंड इट जस्ट अ वेस्ट. वेस्ट यहाँ इट रिफर कर रहा है द रियल बुक को, और वेस्ट मतलब कि बेकार. टॉमी पाता है कि ये बुक पूरी तरीके से बेकार है. Why it is so? ये आपने पूरी तरीके से explain किया, अच्छे तरीके से समझाया गया आपके book में. The book was best because it was a real book as the words are printed in there in that books. उस book में words जो थे वो printed थे, वो still वहीं पे लाई करते थे. Book पलटो, page पलटो, लेकिन वो word जहाँ लिखा हुआ है वहीं पे रहता था. तो इसलिए वो बोल रहे हैं द बुक, टॉमी फाउंड दैट द बुक वाज टोटली वेस्ट. दे हैड नो प्रिंटेड बुक्स. उन लोगों को जो पढ़ाया जाता है उनके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो कोई भी प्रिंटेड बुक्स उनके स्कूल में नहीं चलता है. देयर बुक फ्लैश्ड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. उसके बुक्स कहां पर मिलते हैं? उनके बुक्स मिलते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, फ्लैश होते हैं, दिखाए जाते थे. Tommy, who was 13, he had read more books on the television screen than Margie. कितने साल का है ये? 13 years का है. आपने देखा ये कितने साल की है? Margie is of 11 years and Tommy is of 13 years. And as he was older than Margie, he had earlier read more books on the television screen. चूंकि वो उससे बड़ा है, उसने टेलीविजन स्क्रीन पे मोर बुक्स देखे हुए हैं, मार्गी से ज्यादा बुक्स देखे हुए हैं. तो बच्चों हम लोगों को यहाँ क्या देखने को मिलता है? टॉमी को बाई चांस कहीं पे एटिक पे एक बुक मिलता है, वो एक रियल बुक है, उसके वर्ड्स प्रिंटेड है, और मार्गी को वो दिखाता है अपनी बहन जिसका उम्र 11 ईयर्स है, उसको दिखाता है. एंड सी वॉज नॉट एवर सीन this type of book before, इससे पहले उसने नहीं देखा था. but she had once considered, she heard once when her grandfather told about the printed books, तब उसने इस बात को सुना था, जाना था. it was a very old book, वो बहुत yellowish और crinkly हो चुका था. again Tommy जब इस book को पढ़ता है तो वो पाता है the book is totally waste. and what is said about the चर्चा किए. अगेन आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड. So students, let us move forward. हम लोग देखें अभी तक कि किस तरीके से टॉमी को एक बुक मिला एंड उसने उस बुक को मार्गी अपनी सिस्टर को दिखाया. टॉमी टोल्ड मार्गी दैट इट वॉज अबाउट स्कूल. इट वॉज मीन्स टू से द बुक ही फाउंड, द बुक, वो बुक जो कि टॉमी ने पाया था वॉज अबाउट द स्कूल. बच्चों यहां से क्वेश्चन निकालता है कि वो बुक किस चीज के बारे में था. तो बुक था किस चीज के बारे में? द स्कूल. स्कूल के विषय में उसमें चीजें लिखी गई थी. हर स्कूल वाज सिचुएटेड. और जब स्कूल के बारे में लिखी गई थी तो फिर अब यहाँ पे वो फ्यूचरिस्टिक स्टोरी शुरू होता है. वो बताता है, यहाँ पे बताया जाएगा
कर पाएंगे कि किस तरीके से मार्गी और टॉगी का स्कूल था और बुक में किस तरीके के स्कूल्स दिखाए गए हैं। हम लोगों का जो अभी पास में ये अभी का जो समय है बच्चों, वो उस समय 2157 के लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपने स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में आते हैं, वहां पे बैठते हैं और भी बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स होते हैं और वो एक साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई प्रोसेस होता है डील करते हैं। एंड देयर इज ए टीचर, ह्यूमन टीचर फॉर यू टू सजेस्ट टू डिस्कस द टॉपिक। नहीं, लेकिन देखते हैं, वो तो स्कूल के बारे में उस किताब में दिया हुआ था। जो हमारा स्कूल अभी चल रहा है वो उस समय क्या था, पास्ट हो चुका था। तो उस पास्ट स्कूल के जो अभी पास्ट स्कूल है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब यहां से वो अपने स्कूल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनका स्कूल कैसा है। तो यहां पे बताया जा रहा है दैट हर स्कूल, मतलब मार्गीज स्कूल वाज सिचुएटेड इन अ रूम इन हर होम। मार्गी का स्कूल कहां था, मार्गी का स्कूल था इन अ रूम, एक रूम में, और वो रूम कहां था, इन हर होम, उसके घर में ही एक रूम में उसका स्कूल था। इट वॉज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कितना आसान था ना, बेडरूम से निकलो और डायरेक्ट अपने स्कूल में इन कर जाओ। तो इट वॉज यहाँ पे बहुत अच्छा दिखने में लग रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। एंड यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक्स आल्सो। बच्चों फिर से बोल रहे हैं, आप वर्ड टू वर्ड आप बुक को पढ़ेंगे एंड यू हैव टू आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू कैन आस्क द डाउट इन द डाउट क्लासेस, लाइक डाउट क्लासेस अगेन। तो उसका स्कूल कहाँ सिचुएटेड था, इट वॉज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में ही। और मैकेनिकल टीचर, अब बच्चों बोलोगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज मैकेनिकल टीचर, तो टीचर तो समझ लो जो तुमको पढ़ाते हैं। मैकेनिकल टीचर मतलब एक मशीन जो कि टीचर का काम कर रहा था, एक मशीन जो कि टीचर का काम कर रहा था। व्हाट ही डज, ही प्लेस ऑन हर टेलीविजन स्क्रीन एट ए फिक्स्ड टाइम डेली एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। वो क्या करता है, वो टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश करता है उसके बुक्स को, मार्गी टॉमी के बुक को इन अ फिक्स टाइम, लेकिन कब नहीं करता है, सैटरडे एंड संडे, उनके स्कूल का हॉलीडे होता है। हम लोगों का हॉलीडे कब होता है, संडे को होता है। जो बुक में जो स्कूल दिखाया गया है उसका हॉलीडे कब होता है, संडे को होता है। बट उनका रियल में जो स्कूल चल रहा था उनका हॉलीडे कब होता है, इन टू डेज, सैटरडे एंड संडे। और वो क्या करता था, फिक्स्ड टाइम पे वहां पे स्टूडेंट को पहुंच जाना होता था और वो क्लासेस स्टार्ट फिक्स्ड टाइम पे हो जाते थे। अगेन सी हैड टू अटेंड अलोन देयर, वहां पे वो क्या करते थे, वहां पे अलोन ही जाना होता था, अकेले ही आपको पढ़ाई करना होता था। तो वो वहां पे जाती थी, अकेले जाके चेयर पे बैठ जाती थी और टेलीविजन स्क्रीन पे उसको किताबें, बुक्स और जो भी पढ़ाई होता है वहां पे उसको करवाया जाता था। दिस मैकेनिकल टीचर व्हाट डज ही डू, ये क्या करता था, ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वी आर यूज्ड टू आस्क स्टूडेंट्स, कोई भी मार्गी हो, टॉमी हो, एनी अदर स्टूडेंट, क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछता था, गेव अ होमवर्क, वो होमवर्क भी देता था एंड चेक इट, और फिर चेक भी करता था होमवर्क को। वहां पे बच्चों किताब में लिखा है, यू हैव रिटेन द बुक, दैट देयर वाज अ स्लॉट, वहां पे एक स्लॉट हुआ करता था इन विच बच्चों को क्या करना होता था, अपने बुक्स, अपने नोट्स या फिर अपने कोई भी टेस्ट पेपर है उसको वहां पे रख देना होता था और वो लोग क्या करते थे, मैकेनिकल टीचर उसको चेक कर लेते थे। तो दिस वे अगेन, तो फिर यहां तक हम लोग ये जाना मैकेनिकल टीचर के बारे में जाना कि वो क्या करता था। मैकेनिकल टीचर एक फिक्स टाइम पे क्या करता था, अपने स्कूल को शुरू कर देता था। अगेन मार्गिस मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उस समय जब वो बुक पाए थे और दोनों बुक को पढ़ रहे थे उस समय उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा था, मार्गी के रियल लाइफ में चल रहा था कि उनका मैकेनिकल टीचर जो था वो दे रहा था उनको टेस्ट पे टेस्ट, मतलब एक के बाद दूसरा टेस्ट, उससे बार बार टेस्ट लिया जा रहा था। तो एक ही बच्चे को बार बार टेस्ट लिया जाना, इससे क्या हो रहा था, मार्गीज परफॉर्मेंस हैड बीन गोइंग वर्स टू वर्स, कहां जा रहा था, बदतर और बेकार और बेकार, बहुत खराब हो गया था उसका परफॉर्मेंस। बिकॉज जब आप एक ही टेस्ट बार बार हो रहा है, आप में कोई
सजेस्ट करने के लिए नहीं है, आपने कुछ गलती बताने के लिए नहीं है, और बार बार आपसे टेस्ट ही लिया जा रहा है ये कंसीडर करके कि आपको वो चीजें पढ़ा दी गई हैं, और बार बार आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आप सही हो जाएंगे विदाउट कंसर्निंग योर मिस्टेक्स, आपको इन मिस्टेक्स को नहीं जाने बिना बार बार टेस्ट लिया जाएगा, तो वो क्या होगा, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि यार हम कितना खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी, बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। हर मदर, चूंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रहा था, हर मदर कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब ये क्या सा चीज है भाई, काउंटी इंस्पेक्टर? तो बच्चों काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ कहने का मतलब है, काउंटी इंस्पेक्टर इज अ ह्यूमन, ये एक इंसान होता है जो कि आता है, और अगर मैकेनिकल टीचर जो कि मशीन है जो कि पढ़ाता है, इसमें अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ खराबी हो गया है, तो वो उस चीज को एनालाइज करता है और फिर इसको ठीक भी करता है। ही वाज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड एज अ काउंटी इंस्पेक्टर, इसको काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल टीचर जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, उसको चेक करना कि वो सही है या नहीं है, उसका सिस्टम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर कोई सिस्टम में खराबी है तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसके सिस्टम को सही कर देगा, तो इट इज कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। तो ये उस उनके मार्गी के स्कूल के बारे में बताया गया, और जो बुक उसने फाइंड किया वो क्या था, वो बुक था स्कूल के बारे में। तो हम ये स्कूल, हमारे जो स्कूल चल रहे हैं वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, एंड उनके जो स्कूल चलते हैं और क्या क्या चीजें इस्तेमाल होते हैं, मैकेनिकल टीचर एंड काउंटिंग इंस्पेक्टर नाम का जो कि आता है और मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है। अगेन वी विल मूव फॉरवर्ड, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लेट अस मूव फॉरवर्ड, तो क्या होता है, उसकी मदर ने, हर मदर कॉल्ड अकाउंटिंग इंस्पेक्टर टू चेक द मैकेनिकल टीचर। उसकी मदर ने मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए, क्योंकि वो बार बार उसे टेस्ट ले रहा था और मार्गी उसे परफॉर्मेंस उसका बहुत खराब हो रहा था, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी माँ ने बुलवा लेता है। Then he found a thing that was very not, that was not good. उसने उस सिस्टम में एक खराबी पाया, एक बग पाया, that his system was little bit high than her age. उसके एज से वो जो सिस्टम था little bit high था, तो उसने क्या किया, he set the speed of the mechanical teacher right up to the level of an average 10 years child. चूंकि वो 11 years की थी, मार्गी 11 years की थी, तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर की स्पीड को क्या कर दिया, लेवल पे ला दिया, और वो लेवल क्या था, एवरेज 10 ईयर, है ना, 10 साल के उम्र में। अब होता ये है कि मान लो कि उसका लेवल हाई होता है, वो ऊपर उसका लेवल होता, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो तो समझना होगा कि हम तो इसको ये पढ़ा चुके हैं, देन वो क्या करेगा, आगे के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए वो बार बार उसे टेस्ट लेगा। सो उसने क्या किया, एवरेज 10 ईयर चाइल्ड लेवल पे उसने उस मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन आपके बुक में और अच्छे तरीके से दिया है, वर्ड बाय वर्ड। वो उसका एप्पल देता है, उसके माथे पे हाथ लगाता है, हाथ देता है मार्गी के, और मार्गी और भी कुछ एक्सपेक्ट करती है कि मैकेनिकल टीचर उसे मैकेनिकल सॉरी काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ना ठीक कर पाए, ये सारा वो होप करती है, ये सारी चीजें वो सोचती है। तो बच्चों फिर से बोल रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन यहाँ आई एम गिविंग यू समरी ओनली, हम केवल आपको समरी दे रहे हैं। यू शुड लर्न, यू शुड रीड द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड एंड आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू आर नॉट सजेस्टिंग योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट कंक्लूडिंग द वर्ड्स ऑफ द फ्रेजेस ऑफ द क्लास रिटन इन द बुक, देन आस्क मी इन द लाइव चैट, आस्क मी इन द लाइव द डाउट क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग यू। तो अगेन 10 इयर्स में वो सेट कर देता है। टॉमी टोल्ड मार्गी दैट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो देयर वाज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। बच्चों ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स बोलता है, टॉमी बोलता है कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स अगो, 100 सालों साल पहले वहां पे क्या होता था, एक पुराने तरह का स्कूल होता था। मतलब हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, एक पुराने तरह का स्कूल हुआ करता था। Those schools were situated, वो स्कूल सिचुएटेड थे, बने हुए थे कहाँ, एक स्पेशल बिल्डिंग में। जैसे हम लोगों का स्कूल कैसा होता है, हम लोगों को घर से निकल के जाना होता है,
स्कूलिंग संस्था खुली हुई है, वहां के हम लोगों को पढ़ना होता है. एंड देयर वी हैव अ ह्यूमन टीचर्स, वी हैव ह्यूमन टीचर्स, हम लोगों के पास ह्यूमन टीचर्स होते हैं, हु यूज द टीचर्स देयर, वो वहां पे हम लोगों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स टॉपिक्स को, चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं. बट इन देयर टाइम क्या हो रहा था, उनके पास कोई स्कूल नहीं था, स्कूल था बट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उनके बेडरूम के ठीक बगल में था, और वहां पे उनको अकेले जाना होता था. एंड दे हैव ए मैकेनिकल टीचर इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टीचर्स. उनके पास क्या होता है, मैकेनिकल टीचर होता है, ह्यूमन टीचर्स होता है ह्यूमन टीचर्स के जगह पे. एंड इन दिस टाइप ऑफ स्कूल, इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ऑल द किड्स, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स इन द एरिया, उस एरिया में जितने स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, went there and learned the same thing. एक ही चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है. मान लो बच्चों का जो लेवल होता है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत चालाक होते हैं, थोड़ा सा चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा स्लोली उन चीजों को रिसीव कर पाते हैं, गेट कर पाते हैं. तो यहाँ बोल रहे हैं कि सारे लोग आते हैं और टीचर क्या करता है, सारे टीचर सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरह की एक ही चीजें पढ़ाते हैं. Then वो बोलते हैं, Margie thought, Margie सोचती है that it would be great fun of the study, great fun to study in those schools. Margie सोच रही है, यहाँ सोचती है Margie, क्योंकि वो थोड़ा चुलबुली टाइप है, वो सोचती है कि तो बड़ा मजा आएगा ऐसे स्कूल्स में पढ़ने से. Why so? क्योंकि सारे kids, सारे बच्चे, सारे students एक साथ वहाँ पे आएंगे, तो खेल होगा, मस्ती होगा, और फिर पढ़ाई भी साथ साथ होगा. तो इसलिए से ये सोचती है कि ग्रेट फन टू स्टडी, उसको वहां पे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा इन दोज स्कूल. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज, शी वांटेड टू रीड मोर अबाउट, वो और भी ज्यादा उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है, उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है. बट इन दैट टाइम वहां पे क्या होता है, जस्ट देन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी, तुरंत से वो स्कूल के बारे में उस डायरी में उस वो जो बुक, वो रियल बुक जो फाउंड किया था उन लोग, तो उसमें और भी चीजें वो स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है. बट जस्ट देन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी टू अटेंड हर स्कूल, जो कि नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि नेक्स्ट टू मतलब बेडरूम के बिल्कुल बगल में था, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो चुका था. तो वो उसको कॉल करती है, मार्गी को, उसकी मदर, कि जाओ अपने स्कूल को अटेंड करो, स्कूल जाओ, वहां तुम्हारा टाइमिंग हो गया. तो यहाँ से ये हम लोग डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से मार्गी अपने स्कूल से कंपैरिजन कर रही है ओल्ड टाइम के स्कूल्स को, और बोलती है कि फनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आता. तो देखते हैं यहाँ पे मार्गी की मदर उनको कॉल करती है टू अटेंड द स्कूल. अब देखते हैं वो आगे पढ़ती है या फिर स्कूल जाती है, वी विल सी. तो अगेन बच्चों, फिर हम लोग लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो मार्गी वाज रिलक्टेंट, जैसे ही वो स्कूल के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी, प्रीवियस स्कूल के बारे में, द फनी स्कूल के बारे में, पास के स्कूल के बारे में, जो कि उसकी किताब में दिया हुआ था, जो कि उसकी डायरी में, जो कि टॉमी ने फाउंड किया था, उसमें लिखा हुआ था, तो वो उसको और पढ़ना चाहती थी. बट मदर ने क्या किया, उसको कॉल किया, बिकॉज इट वॉज टाइम ऑफ अ स्कूल, उसके स्कूल का समय था. तो मार्गी वाज रिलक्टेंट, वो प्रतिरोध, उसको मन नहीं होता है. But she had to go inside her school room nonchalantly. लेकिन उसको बिना इच्छा के, मतलब without showing much interest, nonchalantly is to you don't have any interest and you have to do. आपको करना होता है, तो वो कहलाता है nonchalantly. तो बोलते हैं कि उसको reluctant, वो reluctant feel की वो नहीं चाहती थी. But she had to go inside her room nonchalantly without any interest. उसको जाना ही था. It was right next to her bedroom, जैसा कि पहले भी बताया गया उसका स्कूल कहाँ था, बिल्कुल बगल में उसके बेडरूम के बिल्कुल ही अगले वाला जो रूम था वही उसका स्कूल था. There, her mechanical teacher was on. बच्चों सोचो, teacher was on, teacher on था, क्योंकि वो एक मशीन थे, टीचर जो थे कौन थे, मशीन थे. तो बताया जा रहा है तो मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग, और इंतजार कर रहा था फॉर हर, उसके लिए इंतजार कर रहा था मैकेनिकल टीचर, वो ऑन था एंड ही वॉज वेटिंग. It asked, it यहाँ जा रहा है mechanical teacher. Mechanical teacher asked Margie, वो बोलते हैं,
put her homework, अपने homework को रखने के लिए in the proper slot. Slot बताएं बच्चों, slot की उसको जो भी अपना लिखते थे, जो test देते थे, वो किस में देना था? वो एक slot होता था, उसके ऊपर उसको रख देना होता था. तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि mechanical teacher asked Marty to put her homework in the proper slot. Marty did so with a sigh. वो आ भरते हुए, मतलब she was not agree, वो agree नहीं थी, वो नहीं चाहती थी उस दिन पढ़ना, वो स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, but उसको sigh देते हुए वो क्या करती है, अपने homework को उस पे रख देती है. The mechanical teacher was teaching her the mathematics topic of fractions. What was the topic? It was about fraction. On which topic? Mathematics का एक topic था fraction, है ना? Mathematics का topic fraction, वो उसको पढ़ाया जा रहा था at that time. But she was thinking about the school. लेकिन वो क्या सोच रही थी? वो जो जो diary में schools के बारे में बताए गए हैं, उसके बारे में सोच रही थी. Of the old days, school. कब के स्कूल के बारे में? ओल्ड डेज, जो पुराने जमाने के स्कूल्स, जो हमारे स्कूल्स हैं, उसके बारे में सोच रही थी. एंड द फन दे हैड, और जो फन करती, या फिर जो अभी के बच्चे पास्ट, उसके लिए जो पास्ट के बच्चे थे जो फन करते थे स्कूल में, वो सारी चीजों को वो सोच रही थी. इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन ऑफ द फ्रैक्शन, द टॉपिक व्हिच वाज स्टडीड बाय द मैकेनिकल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो उसको नहीं पढ़ने के बजाय वो क्या कर रही थी, वो उनसे स्कूल्स के बारे में सोच रही थी और मस्ती के बारे में सोच रही थी, जो कि वो सारे बच्चे करते थे, जो एक साथ जाते थे अलग पार्टिकुलर बिल्डिंग में और वहां पे एक साथ पढ़ाई करते थे. तो बच्चों, इट इज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है, द समर इज कंप्लीटेड, बट आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन दैट यू शुड रीड ऑल द whole chapter word by word without any hesitation, and again if you have got any doubt or any clearance you need, then you have to join the doubt classes, the live doubt classes, and there I will make you understand that what is going to happen, kya wahan pe likha hua hai, kya cheeze suggest ki gayi hain. So remember the thing, aap in cheezon ko fir se aap milne ki aapko word by word aapko padhai hai, phrases, clause, sentences ko, har ek sentence ko, har ek expression ko janna hai, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. कि वो सरप्राइज करने से यू आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर थिंग्स एंड यू विल नॉट गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस. अगर एक्सप्रेशन से क्वेश्चन कर दिया जाता है तो उसमें आप फंस जाओगे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप वर्ड टू वर्ड उसको कंप्लीट करो. एंड इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, एनी यूनिट, एनी क्लियरेंस ऑफ द सेम थिंग, देन यू हैव टू आस्क, यू शुड आस्क द क्वेश्चंस द लाइव डाउट क्लासेस. अगर आप लाइव डाउट क्लासेस में नहीं है तो आप जल्दी से स्कूल कंसल्ट करो और रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्टर्ड करा दो, आपके नंबर को एड कर लिया जाएगा. सो फॉर टूडे इट इज ओवर. थैंक यू.